हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ट्रेंडी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल फुटवेयर। तो ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे एथनिक वेयर के साथ जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी है जो वेस्टर्न क्लोथ्स के साथ भी अच्छे लगेंगे। तो ये सारे अमेज़ॉन से हैं और आपको इन सारे फुटवेयर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ये रोज गोल्ड में ग्लिटर वाली सैंडल्स। ये मोची ब्रांड से हैं। तो मोची काफ़ी एक अच्छी ब्रांड है और इसकी जो फुटवेयर होते हैं, एक तो अच्छे होते हैं दिखने में और साथ ही में ड्यूरेबल भी होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शंस थे। मैंने रोज़ गोल्ड लिया। रोज़ गोल्ड एक्चुअली यहाँ पर चीकू गोल्ड नाम से है, बट ये रोज़ गोल्ड ही है। बहुत ही ब्यूटिफुल है और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो पीछे की तरफ और सामने की तरफ स्ट्रैप दिया गया है, उससे इसकी जो पकड़ है एंकल्स में, ये बहुत अच्छी है। तो चलते वक्त डिस्कम्फर्ट नहीं आता है। जो हील्स है वो भी थोड़ी सी ब्लॉक टाइप में है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। थोड़ी सी महंगी है पर टोटली वर्थ है, ब्रांडेड है, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये वाली फुटवेयर। तो ये जो है थोड़ा सा कॉपर टाइप का गोल्ड कलर है और इसका जो फैब्रिक, मतलब जो भी इसका मटेरियल है, इसी के ऊपर आप देख सकते हैं ग्लिटरी इफेक्ट है। इससे जो पहले वाला था उसमें ग्लिटर जो चिपका हुआ है उस टाइप का फील था, पर वो भी बहुत अच्छे से लगा हुआ था। ये मेट्रो ब्रांड से है, इसमें भी कलर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। मेट्रो भी बहुत अच्छी ब्रांड है, इसके भी फुटवेयर बहुत अच्छे होते हैं। इसकी जो हील्स है ये वेजेस टाइप की है, तो वेजेस हील्स हमेशा ब्लॉक हील्स और स्टिलेटोस के कंपैरिजन में कंफर्टेबल ही होती हैं। बहुत ज़्यादा भी हाई हील्स नहीं है और आगे जो टो की पकड़ के लिए आप देख सकते हैं फ्रंट में जो बेल्ट दिया गया, इससे इसकी ग्रिप जो है पैरों में, ये काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट अगेन वेज हील्स में, ये बाटा से है। तो ये बाटा ब्रांड की फुटवेयर है। तो जब मैंने इसे पहनकर देखा तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल अच्छी लगी, दिखने में सुंदर है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि जहाँ पे इसको अंगूठे को पकड़ने के लिए सामने जो दिया गया है, छोटा सा जो हिस्सा होता है जो हमारे टोज के बीच में आता है, तो उसकी जो नीचे वाली साइड है, बेस वाली, वो ज़रा चलते वक्त फील होती है कि वहाँ पर कुछ थोड़ा सा मोटा है। अदरवाइज ये बाटा ब्रांड से है तो ये ड्यूरेबल तो होगी ही, कंफर्टेबल भी ये काफ़ी है। और इसमें जो ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर बीड्स है, यानी छोटे पतले सिलेंडर शेप के बीड्स है और वही पास पास बुने हुए हैं और ऐसी इसके डिज़ाइन है। तो दिखने में ये बहुत सुंदर है। आज के वीडियो में दिखाई गई इसके पहले की फुटवेयर जो है, ये वेस्टर्न पे भी अच्छी लगी कि इंडियन पे भी अच्छी लगेगी, डिपेंड करता है आप क्या पहन रहे हैं, पर कम्फर्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये वाली फुटवेयर। अगेन ये ब्रांडेड है, ये बाटा से है। तो आजकल बाटा में काफ़ी सारे डिज़ाइन आ रही है, तो ये बाटा स्पॉन्सर्ड नहीं है पर मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये पिक किया। तो ये इस तरह की है जो वेस्टर्न के साथ भी अच्छी लगेगी, मतलब जो इंडो वेस्टर्न जीन्स वगैरह के साथ भी अच्छी लगेगी और इंडियन में तो ये अच्छी लगेगी ही। दिखने में भी काफ़ी ये अच्छी है, बहुत ही प्रिटी ये फुटवेयर है। आज के वीडियो में दिखाई गई फुटवेयर में आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, क्यों लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो ये काफी न्यूट्रल फुटवेयर है, न्यूट्रल है तो आप इसे किसी भी कलर के कपड़ों के साथ पेयर कर सकते हैं, ये अच्छी लगेगी। क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये वाली फुटवेयर। तो ये जो है मैं इसे कहूंगी कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दी गई है और मैं साइज 37 जो यूके वाला होता है वो पहनती हूँ, तो मुझे ये मेरे साइज़ के हिसाब से छोटी लगी। मतलब करेक्ट साइज़ मैंने मंगाया, बाकी सब फुटवेयर में वही आया, पर इसमें वो मुझे छोटा लगा। प्लस इतना कम्फर्ट इसमें नहीं है। अगर आपको ये सिर्फ दिखने के लिए चाहिए तो ये बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत प्रिटी है, पर अगर आप कम्फर्ट की बात करेंगे तो ये उतनी कम्फर्टेबल नहीं लगी मुझे जितनी कि बाकी फुटवेयर लगे। इसे भी आप इंडो वेस्टर्न के साथ, इंडियन के साथ या फिर सिर्फ वेस्टर्न के साथ पहन सकते हैं, बहुत ही ये प्रिटी लगेगी, बट ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है ये फ्लैट जूती। तो मैंने कलर दूसरा मंगाया था बट ये वाला आ गया, बट ये भी अच्छा ही है। तो ब्लैक एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन में है, गोटा वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर, काफ़ी प्रिटी है। सिंपल जैसी जूती होती है वैसी ही है, बहुत ज़्यादा पैडिंग नहीं है, नीचे फ्लैट है पर दिखने में बहुत प्रिटी है। इसे भी आप एक्चुअली वेस्टर्न के साथ पहनेंगे, जीन्स टॉप के साथ तो भी ये प्रिटी लगेगी और इंडियन के साथ भी ये अच्छी लगेगी। तो इवन इफ ये ब्रांडेड नहीं है, ये काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल आज की वीडियो में जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, बट इसके अलावा जो भी फुटवेयर है सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, कंफर्टेबल भी हैं।
आज के वीडियो में दिखाए गए सारे फुटवेयर के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।